बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद का दिन पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत एंजॉय हो रही है जी। आप भाइयों को, आप भाई भी आज सेकंड डे एंजॉय कर रहे होंगे सऊदी अरब में। ये देख ली, मैं आपको पहले भी एक दो वीडियो में दिखा चुका हूँ, दाएं हाथ की ये चिची के ऊपर मैंने हल्की सी मेहंदी लगाई हुई थी, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी मुझे, तो मैं पहले भी एक वीडियो में शायद आपको दिखा चुका हूँ। बहरहाल हम बात करेंगे जी, ये जो सख्ती के मामला हैं इनके मुतालिक। सख्ती के मामला ये है जी, ये ईद वाले दिनों में कितने बंदे गिरफ्तार किए गए हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ जो क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है जी, अगर आपके इकामे एक्सपायर हैं, मैं मुकम्मल कम्प्लीटली वीडियो शेयर कर चुका हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इकामे एक्सपायर हों और शिरका अगर रेड वगैरह है यानी कि लाल है तो सफारा में चले जाएं, आपका काम हो जाएगा। खुरूज नहाई उता नहाया लगेगा। आप आए एक दो माह तीन माह जितनी आपने यहाँ पर पाकिस्तान में इंजॉय करना करें, उसके बाद न्यू वीज़ा लेकर दोबारा जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हरूब है फिर भी आप 8-10 दिन में वापस आ सकते हैं सफारा से। उसके बाद अगर आपकी कंपनी रेड नहीं है तो आप मकतबे अमल जा सकते हैं। यानी कि इन तमाम मसाइल के ऊपर मैं अलहदा से वीडियो बहुत सी शेयर कर चुका हूँ और भाई मुझे इसके नीचे बहुत से कमेंट भी कर चुके हैं, मैं उनको कमेंट का जवाब देता हूँ। और आप भाइयों के लिए ये वीडियो भी आ जाइए, आपको मैं बता भी रहा हूँ, आप इसी तरीके से ये तमाम तरह ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको पकड़ाई देने की जरूरत नहीं है कि या किसी शूटर को पकड़ाई दें पैसे देकर या जैसे भी है, बाद में 15 दिन जेल में बैठे फिर है, उससे बेस्ट है यार सफारा में चले, सफारा से आ जाए बेस्ट रहेगा, मकतबे अमल चले जाए। अगर कंपनी रेड नहीं है, रेड है तो सफारा में चले जाए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, बहरहाल आपको यहाँ पर एक चीज मैं दिखा रहा हूँ वो क्लोज करके आप तरहील वाली माँ देख लें जी। अभी भाई बहुत से बोलते हैं कि पहले वाला मामला बिल्कुल नहीं रहा, लेकिन ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये क्या है, मैं खुद से तो आपको दिखा नहीं रहा हूँ, मैं कंप्लीटली पिक्चर भी आपको दिखाता हूँ। 11,623 कितने हैं जी, 11,623 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं जी, सॉरी तरहील के थ्रू डीपोर्ट किए गए हैं सऊदी अरेबिया में इन ईद वाले दिनों में। अगर मुकम्मल रिपोर्ट की बात कर लें तो आप देख रखे होंगे 12,034 अफराद भाई ईद वाले दिनों में पकड़े गए हैं, जिनमें ईद वाला दिन भी शामिल है, और इनमें इस दौरान में जो भी उनके हाथ लगा उन लोगों ने उठा लिया है। इनमें मुखालफा निज़ाम अल इकामा वाले देख लें 7,516 अफराद हैं जिनके इकामे वगैरह एक्सपायर थे और पकड़े गए। मुखालफा निज़ाम अल अमल, ठीक है, इनकी तादाद है 1,516 अफराद जो कि बहना कुछ और, कफील कहीं और, का काम कुछ और, किसी और शहर में लगे हुए हैं, और उनके ऊपर भी 50,000 रियाल तक का फाइन 6 माह का कैद है। ये क्लियर करता चलूँ मैं, हर उस बंदे को मैसेज आ चुका था जब ये हाल ही में यानी कि आज से 1-2 माह पहले मैंने बनी मार्ग से लाइव वीडियो आपके साथ शेयर की थी सख्ती के मुतल्लिक, उस टाइम हर साय खास एन अमल मंजिली वगैरह को वो मैसेज आ चुका था सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। उसके आगे ये मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद, इनकी तादाद है 3,000। तो ये वीकली रिपोर्ट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।